हरियाणा के गुरुग्राम का एक लड़का जिसने गलती से एक ऐसा खतरनाक काम कर दिया जिससे गैंगस्टर गोल्डी बराड की नींद अमेरिका में टूट गई और उसके साथ शूटर गिरफ्तार हो गए। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे लड़के के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड गैंग को हिलाकर रख दिया, जिसने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट कर डाला कि अमेरिका में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड ने हिंदुस्तान में मौजूद अपने शूटरों को लगा दिया कि किसी भी तरह से उस लड़के का किडनैपिंग करो और मेरे पास ले आओ, और फिर गोल्डी बराड की गैंग एक्टिव हुई और कर डाली एक बड़ा कांड। तो सोशल मीडिया पर आकर उस लड़के ने ऐसा क्या कर डाला था कि अमेरिका में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड ने देश के हर राज्यों के शूटरों को मैदान में उतार दिया कि जाओ और कैसे भी करके उस लड़के का अपहरण करके लाओ, बताएंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल जेल में बंद है, उसका साथी कनाडा में। इस बार कनाडा में बैठा गैंगस्टर गोल्डी बराड गच्चा खा गया। मिलेनियम सिटी के रहने वाले एक युवक ने सोशल मीडिया पर ऐसी शेखी बघारी कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग गच्चा खा गया। खुद को क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का सबसे बड़ा निवेशक और डीलर बताकर एक युवक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की, जिसे देखकर विदेश में बैठे लॉरेंस बिश्नोई के साथी गोल्डी बराड ने उसका किडनैपिंग करने का पूरा प्लान बनाया। करीब एक महीने की प्लानिंग कर वारदात के लिए अलग अलग राज्यों से 10 शूटरों को गुरुग्राम भेजा गया, जो वारदात करने से ठीक पहले 31 मई 2023 की रात को पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जब शूटरों के टारगेट से पुलिस ने पूछताछ की तो मालूम चला कि उसने सोशल मीडिया पर हवाबाजी की थी। पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने इस मामले में बताया कि जांच पड़ताल में मालूम चला है कि युवक के पास कोई बड़ी राशि या फिर क्रिप्टो करेंसी नहीं थी, उसने सोशल मीडिया पर शेखी बघारी थी। दरअसल जैसे ही युवक ने सोशल मीडिया पर शेखी बघारी कि कितना पैसा उसके पास है, जिसके बाद कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड ने सोशल मीडिया पर गुरुग्राम के युवक की पोस्ट को देखने के बाद इसका अपहरण करने का फिर लूटपाट करने का योजना बनाया। इसके लिए उसने शूटरों को अलग अलग राज्यों से तैयार किया। सभी शूटर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और हिसार के भिवानी जैसे जगहों से गुरुग्राम में इकट्ठा हुए। गोल्डी बराड ने प्लान तैयार किया था कि सभी शूटर पुलिस की वर्दी में वारदात करने पहुंचेंगे। इसके लिए पुलिस के इंस्पेक्टर समेत अन्य पद के कर्मचारियों की 7 वर्दियां तैयार की गई थी, शूटरों तक भिजवाई भी गई थी। गोल्डी बराड ने शूटरों को निर्देश दिए थे कि पुलिसकर्मी बनकर सोसाइटी में पहुंचना और पूछताछ के बहाने युवक को अपने साथ अपहरण करके ले जाना, फ्लैट की भी तलाशी लेनी और यहां से कैश या फिर बिटकॉइन के संबंधी कुछ भी दस्तावेज मिलेंगे तो अपने साथ लेकर जाना, उसके बाद अपहरण कर टारगेट से रुपए और बिटकॉइन वसूलने हैं। बिटकॉइन ट्रांसफर करने तक की भी हिदायत इन शूटरों को दे दी गई थी। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच को 31 मई की रात सूचना मिली कि स्कॉर्पियो और होंडा सिटी कार में सवार कुल 7 बदमाश भोंडसी के महेंद्रवाड़ा गांव के पास खेतों में मौजूद हैं। ये लोग पुलिस की वर्दी पहनकर डकैती करने वाले हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट पहन टीमें महेंद्रवाड़ा गांव के खेतों के पास बताई गई लोकेशन पर पहुंची। टीम ने कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पूछताछ के बाद सदर थाना एरिया में देवीलाल स्टेडियम के पास 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। ये लोग भोंडसी एरिया में सिग्नेचर बिल्डर की सोसाइटी में फ्लैट पर किराए पर लेकर रहने लगे थे। इस वारदात के लिए आरोपी जोगिंदर और सजोगा टीम लीडर बनाकर इस पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाकर वारदात के दौरान सभी को निर्देश देने की जिम्मेदारी मिली थी। इनके पास से इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की 7 पुलिस वर्दी, 4 पिस्टल, 28 गोलियां, स्कॉर्पियो और होंडा सिटी कार जैसे ये सारे चीज़ बरामद हुए थे। तो फिलहाल गोल्डी बराड जैसा कुख्यात गैंगस्टर जिसने बड़े बड़े कांड को अंजाम दिया, एक सोशल मीडिया पर एक लड़के के पोस्ट से उसकी घिघे निकल गई और गोल्डी बराड के 7 बदमाश गिरफ्तार हुए। तो आपको गोल्डी बराड को लेकर कुछ कहना है अगर तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।